तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं शास्त्री नगर में 3 BHK, बहुत ही ज़्यादा शानदार लोकेशन पे फ्लोर, एकदम मार्केट के करीब है। तो अभी आपने देखी इसकी लिफ्ट और वो दी गई है इसकी स्टेयर्स। एक बारी बाहर का एरिया दिखा दो, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस जो निकला हुआ है यहाँ पर बाहर एरियाज में उतना वैसे इतना नहीं निकलता है। इस यहाँ पर अपना शू रैक और सारी चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं इसका ये शानदार फ्लोर। तो ये है इसकी एंट्रेंस, ये गेट बंद करते ही आप आ जाते हैं इसके लॉबी एरिया में। तो ये दिया गया इसका लॉबी एरिया, यहाँ पर अपना LED पैनल लगा रखा, LED पैनल नहीं कह सकते, मतलब एक स्पेस है जहाँ पर आप यहाँ बीच में LED रख सकते हैं, यहाँ पर अपना डेकोरेटिव कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये दिया गया अपना कस्टमाइज वॉलपेपर, फ्लावर्स का वॉलपेपर है, और ऊपर दी गई अपनी शानदार फॉल सीलिंग। इस पे थोड़ा सा इसे इग्नोर करने की कोशिश करिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और यहाँ पर है अपनी स्प्लिट AC की फिटिंग इसकी लेफ्ट वाली वॉल में। तो प्रॉपर अच्छे से दिखा दो ये लॉबी एरिया। तो इस लॉबी एरिया के ही सामने है अपनी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमने इस बार दे दिया है फिर से पार्टीशन। पार्टीशन का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जैसे यहाँ पर कोई मेहमान बैठे हैं, आप यहाँ पे खाना बना रहे हो, यहाँ पे कोई लेडीज़ बना रही है, तो मतलब थोड़ी सी सेपरेट चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से एक थोड़ा बहुत किचन सेपरेट लगने लगता है। तो ये है अपना प्रॉपर मॉड्यूलर किचन। चिमनी यहाँ पर आपको लगी मिलेगी, ये है अपना प्लस पॉइंट एक। ये अपने ड्रॉअर्स हो गए और यहाँ पर अपना RO वाटर प्योरीफायर आ जाएगा आपका। ये छोटा स्पेस दे दिया, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब फ्रिज तो खैर यहाँ पर नहीं आएगा, बट यहाँ पर कूड़ेदान या फिर ऐसा कुछ आप रख सकते हो चीज़ें। और ये भी ऊपर दे दिया है छोटा, बहुत सारी चीज़ें स्पेस के अकॉर्डिंग पूरी। और ये जो कलर है रेड एंड वाइट, ये आप इस कलर से परिचित होंगे क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग्स में हम ये ऐसा ही कलर करते हैं, तो इसका भी एक अलग ही डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है ये। और इस मॉड्यूलर किचन के हम एक बार जब सामने आते हैं तो हमें दिखता है इसकी लेफ्ट साइड में अपना कॉमन वॉशरूम। तो ये दिया गया अपना शानदार कॉमन वॉशरूम, ऊपर दिया गया 4 इंची के पाइप की जगह वहाँ पर अपना पाइप लग जाएगा, छोटा एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा, आराम से पूरी वेंटिलेशन को कवर करेगा। और ऊपर छत पर दिया गया शार, छत पर भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है, मतलब अगर इसमें जब लाइट जलती है ब्लू ग्रीन तो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। तो इस कॉमन वॉशरूम के साथ में ही है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की खासियत यह है कि मास्टर बेडरूम के साथ में ही है बालकनी अटैच, और उसके जो लेफ्ट साइड में जो बेड है वहाँ पर भी है बालकनी अटैच। तो मतलब इस रूम से भी बालकनी, उस रूम से भी बालकनी। ये है अपना सेपरेट वॉशरूम, तो ये दिया गया अपना अटैच सेपरेट वॉशरूम। यहाँ पर अपने को 4 इंची की पाइप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशियस स्पेस दे दिया, यहाँ पर अपना छोटा एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा, शार का डिज़ाइन वही है, छत के ऊपर ही शार दे रखा है। और ये है अपनी प्रॉपर सीट, और यहाँ पर अपना आ जाएगा गीज़र का प्रोविज़न, गीज़र यहाँ पर आपका आराम से लग जाएगा। मोस्टली कॉमन अटैच वॉशरूम जो होते हैं थोड़े बहुत छोटे होते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। और ये अपनी बालकनी, तो ये दी गई है बालकनी। अगर आप ये गेट खोल देते हैं तो आपको लाइट जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दी गई है अपनी प्रॉपर बालकनी, बड़ी सी स्पेशियस, मतलब हवा पानी धूप, नवंबर का टाइम चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हो आप धूप आ रही है प्रॉपर। तो जो लोग पूछते हैं कि भैया धूप आती है कि नहीं, देख लो भाई बहुत ज़्यादा शानदार तरह से धूप आती है। और इसी बालकनी के बगल में एक और गेट है जो है अपना सेकेंड वॉशरूम, वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। तो ये है अपना सेकेंड रूम, नीचे दी गई है वुडन टाइल, ऊपर दी गई है फॉल सीलिंग, ये दिया है अपना कस्टमाइज वॉलपेपर, और ये है अपनी विंडो AC का प्रोविजन। विंडो AC ऊपर लग जाएगा, कूलर लगवाना चाहो यहाँ पे कूलर लगवा सकते हैं, वैसे तो कोई भी नीड नहीं है, अभी ठंड का टाइम चल रहा है। तो ये है अपना प्रॉपर, यहाँ पर अपना 6x6 का बेड आराम से आ जाएगा, आराम से 6x6 का बेड आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक वार्डरोब अलमीरा आ सकती है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। 3 कमरे हैं, आप एक कमरा बच्चों को दे सकते हैं, एक गेस्ट रूम बना सकते हैं और एक अपना सेपरेट रूम रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो 2 कमरे ही आप यूज़ करके तीसरे कमरे को आप एज अ गेस्ट रूम या किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक ये भी देखा है कुछ लोग अपने जो तीसरे रूम होते हैं वहाँ पर मतलब प्रॉपर वो क्या बोलते हैं उसको, सोफ़ा वगैरह लगा के प्रॉपर उसको मेहमानों के लिए ही कर देते हैं। तो ये दिया गया इसका तीसरा रूम, एक बार नज़र आ रही है शानदार तीसरे रूम की तरफ। थोड़ा सा बाकी रूम से स्पेस में ये कम है, लेकिन इसके प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये अपना वॉलपेपर दे रखा है, पीछे शाफ्ट का प्रोविज़न है, यहाँ पर अपना एग्जॉस्ट फैन आराम से लग जाएगा। तो इस रूम में भी वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन की कोई भी कमी नहीं है क्योंकि फ्लोर्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वेंटिलेशन। अगर आपको कोई ऐसा फ्लोर देख रहे हैं जहाँ वेंटिलेशन नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी पीछे स्प्लिट AC की फिटिंग है, ये वार्डरोब आपको लगा मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। ये जो डिज़ाइन दिया गया वुडन टाइप का टाइल्स टाइप डिज़ाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लुक को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है ये। तो ये जो चीज़ें हैं ये निखर के आती हैं अपने फ्लोर पर।
तो ये है 3BHK शास्त्री नगर में, बहुत ही ज़्यादा शानदार लोकेशन पे, एकदम मेन मार्केट के करीब में है फ्लोर। अगर आप मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आते हैं तो मात्र 5 मिनट का रास्ता है, तो फटाफट से परचेज करिए शानदार फ्लोर को। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, नीचे मेरा नंबर दिया मुझे कॉल करिए और फटाफट से आइए, मात्र 5 मिनट में आपको ये फ्लोर दिखाऊंगा। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लिफ्ट है, पार्किंग है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। और एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे YouTube चैनल के साथ ये है कि जो थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। तो इस जो माइनर सिचुएशन आ चुकी है मेरे चैनल के साथ, इसमें हमें सपोर्ट करिए और वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हमें फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच।